भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर एक अजब गजब बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। किसानों की जो समस्या है वह वैसी की वैसी है। जब तक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मोदी सरकार द्वारा तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सही है कि सरकार ने हमारी बात सुन ली है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि MSP पर हमारी मांग पूरी होनी अभी बाकी है। टिकैत के अनुसार आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जो मांगे हैं वे बरकरार है। सरकार कुछ भी कहती रही, नीतियां बदलती रहती है, लेकिन जब तक किसान और सरकार की मीटिंग नहीं होगी, आंदोलन खत्म करने के कोई संकेत नहीं है। इन मुद्दों पर बातचीत होनी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि सरकार को पिछले दिनों पत्र जारी किया गया था। बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ही आकर संबोधन करेंगे। देश कोई बाहर का नहीं है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी भी बात की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तकरीबन मुद्दे हमारे बहुत अधिक हैं। जब बातचीत शुरू होगी तो मुद्दे भी निकल कर आएंगे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।